टिप की फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल आज लजीज़ पकवान में बन रही है बहुत ही फ्रेग्रेंट बहुत ही फ्लेवरफुल दिल्ली स्टाइल बिरयानी पुरानी दिल्ली की शादियों में बनने वाली बिरयानी की रेसिपी आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ किस तरह से वो इतनी फ्रेग्रेंट इतनी फ्लेवरफुल बिल्कुल जूसी और एक एक बूटी गली हुई किस तरह से बनकर तैयार होती है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा इन आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी इस बिरयानी को बनाने के कि किस तरह से हम इस बिरयानी को बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर तो जल्दी से चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे हमने इस दार सी बिरयानी को किस तरह से बनाया बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर गोश्त तो मैंने बीफ के गोश्त का इस्तेमाल करा है और सारे ही गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और सारे ही गोश्त को इसमें शामिल कर लेंगे आप चाहें तो इस बिरयानी को चिकन और मटन में भी सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं तो यहाँ पर हम इसकी यखनी तैयार करें इसके लिए इसमें शामिल कर देंगे वन टी स्पून भरकर साबन धनिया वन टी स्पून सौंफ एक छोटे साइज़ के प्याज को छील कर अच्छे से धोकर शामिल कर देंगे तीन चार इसमें लहसन के जब ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले दस से बारह काली मिर्चे एक बड़ी इलायची एक पत्ता तीन चार लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा सारी चीजें डालकर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक शामिल करा है और हाफ ग्लास पानी का इस्तेमाल करा है प्रेशर कुकर की लिड लगा दिए हम पांच से आठ मिनट के लिए हल्की आँच पर कुक करेंगे जब तक गोश्त गल ना जाए इतना हमारा यखनी तैयार हो रहा है एक प्रेशर कुकर और लिया उसमें शामिल कर दिया सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बड़े साइज की प्याज ली थी उसे स्लाइस कर लिया था बारीक और इसका बरिस्ता बनाकर तैयार करेंगे तो यहाँ पर हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर निकाल लेना है और आगे आप देखेंगे हमें इसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है तो बरिस्ता भी हमारा रेडी हो गया है अब हम चलेंगे यखनी की तरफ यखनी जो है हमारी अच्छे से गल कर तैयार हो गई है एक एक पीस बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है तो इसी तरह से आपको गोश्त को गलाना है जब तक गोश्त अच्छे से नहीं गलेगा तब तक बिरयानी का मजा नहीं आएगा तो गोश्त के पीसेस अलग कर लिए हैं यखनी का पानी अलग कर लिया है अब उसी ऑयल में हम जिसमें हमने बरिस्ता बनाया है कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची छोटा सा तेज और सारे ही गोश्त को इसमें शामिल कर अच्छे से एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक जो गोश्त का कलर है हल्का सा चेंज ना हो जाए अब इसमें जाएगा एक छोटे साइज़ का टमाटर जिसे सिर्फ कट कर ऐड कर, कर दिया है वन एंड एंड हाफ टी स्पून अदरक लहसन का पेस्ट शामिल करेंगे और दोनों चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक लसन अदरक का कच्चापन खत्म ना हो जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए अब इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे दही वन टेबल स्पून दही ऐड करिए और दही डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ लोग यहाँ पर दही ऐड नहीं करते हैं टमाटर का ही इस्तेमाल करते हैं पर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपके जो चावल हैं वो बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे इसमें शामिल कर लेंगे नमक और याद रहे यखनी में भी नमक है तो चावलों में आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक और ऐड कर दिया है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर मैंने चार से पांच हरी मिर्ची ली थी जिन्हें बारीक कट कर, कर कर शामिल करा है इससे इसका फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब हम शामिल कर लेंगे गर्म मसाले का पाउडर वन टी मैंने गर्म मसाले का पाउडर ऐड करा था सारा ही यखनी का पानी शामिल कर दिया है और उसी के साथ यहाँ पर हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने बासमती चावलों का इस्तेमाल करा है लॉन्ग ग्रहन राइस उसे मैंने आधे घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था वो इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पे हम आधे नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे इससे जो हमारे चावल हैं बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसे खोलकर पका लेंगे कुकर में जब थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होने लगेगा इस स्टेज पर हम इसमें बिरयानी का अचार शामिल करेंगे ये इस बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है बस इसे डालकर कुकर की लीड लगा देंगे और सिर्फ दो सीटी इसमें लगाएंगे और दम पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर मैंने दो सीटी लगा ली थी जो हमारे चावल हैं बहुत अच्छे से बनकर बिरयानी तैयार हो गई है अब ऊपर से इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर और केवड़ा वाटर बस इसे भी डालकर हम दो मिनट के लिए कुकर के लिड लगा देंगे और उसके बाद हम इसे खोल कर देखेंगे ऊपर से मैंने ब्रिस्त ऐड कर दिया है इस स्टेज पर हमें यहाँ पर प्याज को ऐड करना है तो यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी बिरयानी है वो बनकर तैयार हो गई है मेरा पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा था जब मैंने इसको बनाया तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आने वाले मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे हर कोई आपसे इसकी रेसिपी मांगेगा तो इनशाला आप इसे ज़रूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर बस मैंने इसे सर्व कर लिया था मैंने इसे यहाँ पर लहसन की चटनी और रायते के साथ सर्व करा था बहुत ही मज़ेदार लगी थी तो इन शाला आगे ऐसी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा तो अगली रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा बाय टेक केयर